हेलो एवरीवन, मैं अरुण झा आपके सामने एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूँ। और ये वीडियो आपके लिए गिफ्ट है। मेरे इंडिया के जितने भी स्टूडेंट हैं और जो मुझसे जुड़ रहे हैं, सभी के लिए जितने भी जेई और एई जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ये वीडियो आपके लिए इतना खास होने वाला है, आने वाले एग्ज़ाम UPPCL, RVNL, लखनऊ मेट्रो, SSC JEE और जितने भी हमारे PSU लेवल के एग्ज़ाम है, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, सबके लिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन से हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, कंप्लीट वीडियो को देखें। और ये अनबॉक्सिंग मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ये आपके लिए एक गिफ्ट है। देखता हूँ, बताता हूँ आपको इसमें क्या है। आप देख सकते हैं इंजीनियर्स पॉइंट JEE, और मैं ये बुक लेकर आपके लिए आया हूँ। और ये पूरे इंडिया में धमाका है कि एक इतना अच्छा कंटेंट, प्योर कंटेंट मैं आपको दो बुक के फॉर्म में, Volume 1, Volume 2 के फॉर्म में लेकर आया हूँ। तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं, देर ना करते हुए इसे मैं खोलता हूँ और आप लास्ट तक मेरे साथ इसमें बने रहिएगा। तो दोस्तों, अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो हमें इसमें काफ़ी सारा कंटेंट कवर हो रहा है, जो कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं या आप इलेक्ट्रॉनिक से हैं या आप इंस्ट्रूमेंटेशन से हैं तो ही ये कंटेंट आपके लिए है, और आने वाले एग्ज़ाम्स सभी के लिए ये पूरा सिलेबस कवर करता है। जितना भी अपकमिंग एग्ज़ाम का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये बुक को आपके लिए बनाया हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, ये आपके लिए कंटेंट है जो कि मैं दो बुक Volume 1 और Volume 2 के फॉर्म में आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आप ध्यान से देखें, ये आपके लिए Volume 1 है। Volume 1 में अगर आप ध्यान से देखेंगे, और ये Volume 2 है, ये मैंने दो बुक के फॉर्म में आपका पूरा कवरेज किया हुआ है। आप लोग YouTube के माध्यम से मुझसे जुड़िएगा, WhatsApp के माध्यम से मुझसे जुड़िएगा, मेरे नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप ये बुक मंगा सकते हैं और घर पर बैठ के तैयारी कर सकते हैं। इस बुक में क्या खासियत है, क्या क्या टॉपिक कवर हो रहे हैं, वो आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो नेटवर्क थ्योरी पूरा कवर हो रहा है, जिसमें मैंने डाल रखा है आपका कंप्लीट एंड कंप्लीट जो आपके एग्जामिनेशन जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर के लिए इम्पॉर्टेंट है वो सभी, जैसे इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स। सेकेंड इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। थर्ड, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज। पहले मैंने फॉर्मूलाज डाले हैं इम्पॉर्टेंट, देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड हैंड रिटन सॉल्यूशन। ये चार पार्ट आपको हर सब्जेक्ट में देखने को मिलेंगे, जैसे नेटवर्क, मेजरमेंट, ट्रांड्यूसर, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर एंड कंट्रोल सिस्टम। आप इसको अगर ध्यान से देखें तो मैंने ये वाला पार्ट पूरा इसमें डाल रखा है। अगर आप सेकंड बुक को हमारी देखें तो Volume 2 में मैंने सिग्नल सिस्टम आपका पूरा कवर किया हुआ है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा कवर किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल मशीन पूरी कवर की हुई है पावर सिस्टम के साथ ही साथ, EMFT पूरा कवर किया गया है। इसी के साथ ही साथ अगर सब्जेक्ट देखें तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जैसे एनालिटिकल, ऑप्टिकल एंड बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन भी डाल रखा है, कम्युनिकेशन भी डाल रखा है, और माइक्रो प्रोसेसर के साथ ही साथ मैंने इसमें आपको पूरा EMFT जैसा मैं डिस्कस कर चुका हूँ, और मिसलेनियस में मैंने एक्स्ट्रा चीज़ डाल रखी है जो पिछले 10 साल में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आए हुए हैं और आने वाले एग्जाम्स में संभावना है जिनके आने की, तो वो सब आपका इस कंटेंट में कवर हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें Volume 1 को, तो आप अगर मैं पहला पेज आपको यहाँ पे दिखाऊँ, शो करूँ, तो पहला हमारा कोचिंग का पेज मिलेगा, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, देख पा रहे होंगे इसको, ठीक है। उसके बाद सेकंड पेज, जिसमें मैंने कोचिंग के बारे में आपको पूरी जानकारी दी हुई है कि हमारे कोचिंग में किस तरीके से तैयारी होती है और ये बुक आपके लिए क्यों बनाई जा रही है, आप घर बैठ के इसका एडवांटेज कोविड में भी कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा एक प्रोस्पेक्टस है, जिसके बाद मैंने इसमें कुछ QR कोड्स लगा रखे हैं, जैसा कि आप इसमें देखेंगे ये आपका सब्जेक्ट्स है, ठीक है, और ये आपका पूरा कंप्लीट, आप देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट मैंने कवर किए हुए हैं, ये भी आप इसमें देख सकते हैं। इसी के बाद मैंने इसमें कुछ बहुत सारे QR कोड लगा रखे हैं जो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो आप पढ़ते हैं लेकिन आपको वो टॉपिक क्लियर नहीं हो पाते, आप ऑब्जेक्टिव लगाते हैं आपको क्लियर नहीं हो पाते, तो उन्हें क्लियर करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट QR कोड्स हैं जिन्हें आप अपनी बुक से ही स्कैन करेंगे, और स्कैन करने के पश्चात मेरा वीडियो ओपन हो जाएगा YouTube पर और उस वीडियो को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो लगभग मैंने 50 से 60 QR कोड इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक के डाल रखे हैं। उसके बाद हमारा ये कंटेंट स्टार्ट होता है और पूरा इस तरीके से आपका ये चलता है, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं आपको पूरी बुक तो शो एक एक पेज करके नहीं के दिखा सकता, फिर भी आप इसकी बुक लेंगे तो
तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मैंने इसमें काफ़ी अच्छा कंटेंट कवर कर रखा है, आप देख सकते हैं, फिर भी आपको इतने में एक झलक देखने को मिल रही होगी। तो दोस्तों इसमें मैंने काफ़ी सारा सिलेबस और आप देख सकते हैं हैंड रिटन सॉल्यूशन और ये पूरा मैंने कवर किया हुआ, और इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैंने इसमें कवर किए हुए जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि काफ़ी इलेक्ट्रिकल के एग्जाम्स में इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन बहुत देखने को मिल रहा है, इंस्ट्रूमेंटेशन वालों को इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों पढ़ना ही होता है, और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन के क्वेश्चन भी देखे गए, जबकि ट्रांसमिशन लाइन के भी क्वेश्चन देखे गए। तो ये अगर आप इनमें से किसी भी ब्रांच से हैं तो दोस्तों यकीन मानिएगा, अगर आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको 95 स्कोर लाने में कोई नहीं रोक सकता। 100 में से 95 की मैं गारंटी देता हूँ, 5 नंबर का एग्ज़ाम में कुछ भी एनीथिंग आ सकता है, लेकिन इनको आप 95 मार्क्स ला सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम के लिए कट ऑफ 75 अप्रोक्स 80 होता है, अगर 100 नंबर की मैं बात करूँ तो एक एवरेज में बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो इतना आसानी से ले आएंगे, ठीक है, तो आपको और मार्केट में किसी भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास पैसा बहुत है बिल्कुल लीजिए बुक, कोई दिक्कत नहीं, या गरीब बच्चे को दान कर दीजिए। लेकिन फिर भी मैं एक कंटेंट की बात करूँ तो मैंने इसमें प्रॉपर कंटेंट पूरा मैनेज कर रखा है, ये आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पे अच्छी तरीके से नहीं देख सकते तो बिल्कुल आप बुक लीजिएगा, और मैंने अनबॉक्सिंग भी आपके लिए इसीलिए की है ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ पाए। तो आप देख सकते हो मैंने हैंड रिटन सॉल्यूशंस और सारा इसमें बहुत अच्छे से पूरा पोर्शन कवर कर रखा है। ये आपका वॉल्यूम सेकंड है जो मैं यहाँ पे शो करा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये वॉल्यूम सेकंड, ये वॉल्यूम फर्स्ट, और जितने भी स्टूडेंट इसे ऑर्डर करना चाहें यूट्यूब के माध्यम से मुझसे कॉन्टेक्ट करें, व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे कॉन्टेक्ट करें, कॉमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मुझे व्हाट्सएप पर अपना एड्रेस भेज सकते हैं, आप इसे परचेस कर सकते हैं। इट इज़ ओनली इन 900 रुपीज़ फॉर ऑल आउटसाइड ऑफ द झांसी स्टूडेंट, ओके। मैंने भी इसमें काफ़ी इन्वेस्ट किया है, काफ़ी मेहनत की है आपके लिए बनाने में। जिनको भी लगता है कि मुझे ये लेना चाहिए बिल्कुल डेफिनेटली ले सकते हो, और जिनको नहीं लेना तो उनका कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये बुक सिर्फ उन्हीं के लिए है जो सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, जो सिर्फ कुछ बनना चाहते हैं, क्योंकि इसमें मैंने इतना कुछ कवर कर रखा है। जब आप इसे लेंगे तो आप खुश ही होंगे, दुआएं ही देंगे, पढ़ेंगे ही। तो इसमें सारा हैंड रिटन सॉल्यूशन भी मैंने डाल रखा कि अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप देख सकते हो, अदरवाइज आप इसके अलावा आप देख सकते हो कि मैंने जो QR कोड्स आपको दिए हैं इनको आप स्कैन करेंगे तो आपको जो टॉपिक नहीं आते हैं वो भी अच्छे से आ जाएंगे। इसके अलावा मैंने लास्ट में वॉल्यूम 2 में कुछ टेस्ट पेपर भी डाल रखे हैं, और आप इन टेस्ट पेपर को घर पे बैठ के आराम से लगाएं, ठीक है, आंसर की भी है, सॉल्यूशंस है, सारा है, बट आप इसको लेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी क्या किया, क्या इसका मतलब है। और इसमें मैंने काफ़ी सारा पोर्शन मिसलेनियस का भी कवर किया हुआ है। मिसलेनियस मीन्स ये होता है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें जो एग्ज़ाम में पूछी जा रही हैं, ठीक है, तो वो अगर भी आप कवर कर लेंगे तो आपको और भी बेनिफिट देखने को मिलेगा। जैसे ये चैप्टर आप देख सकते हैं मिसलेनियस, मिसलेनियस में मैंने एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें डाल रखी हैं, तो आप इसको कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जितने भी मेरे बाहर के स्टूडेंट हैं वो इनको परचेस कर सकते हैं, और मेरे झांसी के स्टूडेंट तो इसको ले ही रहे हैं, और आसपास बुंदेलखंड के क्षेत्रों में जितने भी स्टूडेंट, बहुत स्टूडेंटों ने इसे परचेस अभी तक कर भी लिया है। तो आई होप आप मेहनत करिए, आने वाले एग्ज़ाम UPPCL, SSTJEE, लखनऊ मेट्रो, MP सब इंजीनियर सभी के लिए ये बुक बहुत यूज़फुल होने वाली हैं। अपने सिलेबस एग्ज़ाम्स पैटर्न के अनुसार आप इसमें क्वेश्चंस को लगाते रहिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। आई थिंक ये अनबॉक्सिंग आपको बहुत अच्छे से पसंद आई होगी, ये गिफ्ट मेरा सभी भारतवासी स्टूडेंट्स के लिए। ओके दोस्तों, नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद। मैं रुझा आपसे विदा लेता हूँ, और आगे हम लोग फिर मिलेंगे कुछ अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छे मटेरियल के साथ, और कुछ सेट पेपर सॉल्यूशन के साथ। आने आने वाले समय में मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। अभी कुछ समय से मेरा वीडियो नहीं आ पा रहा था क्योंकि मेरा शेड्यूल थोड़ा सा बिजी हो गया था, बट आई विल वर्क ऑन यूट्यूब वेरी वेरी सून। ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय।